मम्मी नाश्ता बनाने में लगी हूँ। आज बन रहे आलू के पराठे। मेरा मेरा नाश्ता है गांव की घी पर। ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे नहीं वो नेता लोग बिना मतलब की जगह सफाई में लगे रहते। तो इस पौधे को निकाल के लगा देंगे साइड में कहीं पे तो अच्छा लगेगा। ये है वादिया, मैं दिखाता हूँ आपको। कभी चलेंगे बाकी दूसरी जगह तब दिखाऊंगा आपको। थोड़ा चलते हैं जंगल की ओर की तरफ, देखते हैं कुछ अच्छा देखने के लिए मिलता है कि नहीं। ये पत्तों के चक्कर में ना चलना दिक्कत हो रही है क्योंकि स्लिप कर रहा है पैर पूरे चप्पल वगैरह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो गुड मॉर्निंग पौड़ी से उत्तराखंड। सो जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा कि हम पौड़ी गढ़वाल आ रखे हैं एंड अभी मैं पहाड़ों में हूँ। सो अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा अपने बैक का नज़ारा। तो कुछ नज़ारा भी ऐसा है यहाँ से। तो बस अभी सो के उठे हैं, अब ना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके एंड उसके बाद थोड़ा सा निकलेंगे एंड देन आप लोग को दिखाएंगे बाहर का। शुरू करते हैं, पहले थोड़ा खाना वगैरह नाश्ता वगैरह कर लो एंड देन फिर निकलते हैं। ट्विंकल तब तक रेडी हो रही है, बाकी लोग रेडी हो चुके हैं। ट्विंकल ऐसे ही भटक रही है यहाँ पे। मम्मी नाश्ता बनाने में लगी हूँ। आज बन रहे हैं आलू के पराठे और दही घी। गांव के गांव के की गांव की मम्मी गांव की घी खाएंगे उधर रखा है। हां हमारे के गांव की सब्जी। अरे फैलाओ फैलाओ ये मम्मी ने बीन बीन की सब्जी बना रखी बढ़िया से और ताई जी ने भेजी कि गांव की घी भेज रखी है। अभी जो है ये किचन आपको मैच लग रहा है। आशी ने बोला है कि आज जो है वो घर को करेंगे बिफोर आफ्टर दिखाएंगे आपको। थोड़ा बहुत जो है इधर क्या बोलते हैं उसको सेटिंग ऑर्गेनाइज थोड़ा सेटिंग कर लेंगे अच्छे से घर। देवी ने नंबर टाइप किया इसकी। आ जाओ सिंह वाले लड़के, पापा का नाश्ता चल रहा है। गांव की घी मेरा मेरा नाश्ता है गांव की घी बढ़िया से। और मम्मी ने हमारे उसके लिए कल क्या कहते हैं उसको वेलकम के लिए। हाँ मैं तो भूल गई, वेलकम से मम्मी ने काकू जो है ये घी हटा रहा अपने इससे। काकू घी तो खा भाई, इसी से तो तेरे पे मोटापा आएगा। जो कमजोर है तू वो रखा गाँव आके तो मोटा होना है। एक रुपए के भी नहीं मिलेगी। पहाड़ों में चढ़ना उतरना है अभी। हमें तो आदत है बंद होंगे। खा ले काकू यार, खा ले अच्छे से खा, तो कमजोर नहीं होना चाहिए। और आशी आप भी खाओ। मैं तो हेल्थ बनी हुई है, मैं तो फिर भी खा लूं। अपना घर साफ करना, रिकॉर्डिंग नहीं करनी। ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे नहीं वो नेता लोग बिना मतलब की जगह सफाई में लगे रहते। तो पापा क्या कर रहे हैं? सफा कर रहे हैं पापा। अपने नाना ना साथ खेल रही है। पापा तो देखो आपकी आपकी क्यारी की सफाई हो गई। तो अभी पूरी क्यारी वगैरह साफ कर दी है यहाँ पे। तो पहले काफी पत्ते वगैरह गंदा हो रखा था, अभी साफ दिखाता हो गया। सही लग रहा है पौधे वगैरह। ये किसका पापा? माल्टे का पेड़ है। माल्टे का पेड़ हो गया। एक गुलाब के यहाँ पे क्यारी लगी है। आम का पेड़ भी बड़ा हो रहा है, लग जाएंगे दो तीन साल। एक गेरा छोटा सा तो ये रहने दिया ना आम का। ये छोटा सा एक और लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ ये हो रहा है यहाँ पे। इसको निकाल के ना यहाँ कौन उधर यहाँ नहीं वहाँ तो पूरा सीमेंटेड है मैं लग रहा है यहाँ तक। तो इस पौधे को निकाल के लगा देंगे साइड में कहीं पर तो अच्छा लगेगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि एक पेड़ लगा हुआ है ना तो उसके चक्कर में यहाँ पर हो नहीं पा रहा। तो निकल आई जड़ और उसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, उसको यहाँ लगा देते हैं। यह है वादिया, दिखाता हूँ आपको।
कभी चलेंगे बाकी दूसरी जगह तब दिखाऊंगा आपको। इस साइड में काफ़ी जंगल हो रखा है यहाँ पे, तो ये भी धीरे धीरे कवर करूँगा बाकी ब्लॉग्स में, देखना आप इन सारी चीज़ों नीचे काफ़ी घर हो रखे हैं यहाँ पे भी, तो वहाँ भी जाएंगे। आपको तो काफ़ी ठंडा हो रखा था, पर भी दोपहर की धूप के चक्कर में काफ़ी तेज निकली हुई है। शनाया को थोड़ा टहलाने के लिए निकला हूँ अभी, बेचारी परेशान हो गई थी घर से, तो अभी पहाड़ों में थोड़ा वॉक करते हैं। धूप तेज है यार, पर अभी सुबह सुबह है ना, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रखी है, मौसम अभी काफ़ी सही हो रखा है। यहाँ पे लोगों ने मशरूम वगैरह उगाने के लिए ये सारी चीज़ लेके आए हैं, ये सारी चीज़ें अभी मशरूम वगैरह के लिए उगाने के लिए काम आए। पहले मेरे को लगा कि चारे के लिए होंगे, क्योंकि गाय वगैरह भी है ना, और गाय के चारे वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है सब चीज़ें। काट रहे हैं, कितने कहाँ जा रहे हो, पापा से बात कर लो। हेलो गदा, हाय। थोड़ा सा थक हार गया हूँ, अब थोड़ी सी चाय पी रहा हूँ, और चाय पीने के बाद में ऐसा देखूँगा कि निकलूँगा घूमने फिरने के लिए। मैं आप लोग दिखाता हूँ नज़ारे कितने बढ़िया लग रहे हैं ना पीछे। शनाया इज हैविंग फन, इसका नाच गाना चल रहा है यहाँ पे। शनाया आओ डांसी पेंगुइन, आओ। ऐसा हो सकता है मम्मी हो और डांस ना हो। जल्दी जल्दी जाओ जाओ जाओ। कैसे करिए मुंह, उन्हें पापा क्या कर रहे हैं, छपाई कर रहे हैं, छपाई काम कर रहे हैं, हो गया। हाँ भाई शाबाशी दिखाओ, कितनी बड़ी मकड़ी है, जल्दी दिखाओ। अरे तो कल भी थी, कहाँ गई? आय बॉय कितनी बड़ी थी आप लोग, वो भी टेबल आया और इतनी बड़ी हो गई कम। सो आज दिन में खाने में बनी है ये कड़ी, मम्मा ने बनाई है ये कड़ी, और साथ में है मिक्स वेज की सब्जी, बीन्स वाली है ना मम्मी, बीन्स, और ये प्रिंस के लिए दाल गर्म हो रही है, और साथ में दिल्ली से स्पेशली लाए हैं यहाँ चावल। आपको पता है गांव के चावल जो होते हैं थोड़े मोटे से होते हैं, तो हम लोग के लिए स्पेशली मंगाए हुए हैं पतले वाले से चावल, बारीक बारीक खिले खिले बने जो। अब बस है खाने का टाइम। गांव में जो है खाने का मजा एक्चुअल में हाथ से ही है, बट प्रिंस जो है उसको आदत है चम्मच से खाने की, तो वो चम्मच से ही खाए। तो पखे वाले गढ़वाली दाल तो बड़ी टेम्पटिंग लग रही है तेरी, दाल तो बहुत बढ़िया लग रही है। अब ये आशी के लिए स्पेशली बनाई है उनकी सासू माँ ने कड़ी, सब्जी तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, घी घू डालना है किसी चीज में डाल दो बिल्कुल। प्लान है कि रात को जो हमारे गांव वाले जो मंदिर है हम लोग वहां जाएंगे। यहाँ पे खाना पीना चल रहा है दामाद जी का, मिर्ची खाओगे? सब्सक्राइब रात मिर्ची खानी चाहिए, बड़े मजा आता है, खाना नहीं पूछ रहा। और गांव में सच बताओ मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, तो यहीं आया करो, हर हर अब आपकी जब भी होगी हर वेकेशन यहाँ पे काटो। परमिट वर्क फ्रॉम होम दिला दो ना, यहाँ पे बैठ के काम किया। अरे नहीं नहीं यार, लोग सुबह की वॉक करते हैं, मैं अभी दोपहर का खाना खा के अब थोड़ा सा वॉक करने जा रहा हूँ पहाड़ों में, थोड़ा चलते हैं जंगल की तरफ, देखते हैं कुछ अच्छा देखने के लिए मिलता है कि नहीं। तो अभी धूप काफ़ी हो रखी है, ये बांस के पेड़ वगैरह काफ़ी सारे हो रखे हैं, जंगल है यार बढ़िया लग रहा, पूरा सुकून है, ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पर, पूरा पहाड़ और जंगल वगैरह देखने मिलेगा, जैसे देखो बांस के पेड़ वगैरह भी यहाँ पर लंबे लंबे हो रखे हैं, सही सुकून वाली जगह है। थोड़ा सा जंगल के अंदर की तरफ चलते हैं। ये पत्तों के चक्कर में ना चलना दिक्कत हो रही है, क्योंकि स्लिप कर रहा है पैर पूरे चप्पल वगैरह, क्योंकि सूखे सारे झड़ गए, नीचे पूरी खाई सी है, तो कोशिश ये है कि फिसल के नीचे ना जाए, बहुत स्लिपरी हो रहा है ना, ये कि सीधा सीधा चल सकते हैं, ज़्यादा कोशिश की तो जाने का धाड़ा नीचे। वाकई यार बहुत स्लिपरी हो रहा था, इसलिए मेरे हिसाब से कल काफ़ी लोगों ने आग लगा रखी थी ना, कि ये सूखे सूखी चीज़ें चढ़ जाएंगे तो लोगों को पहाड़ में चढ़ने उतरने के लिए सिर्फ रास्ते का सफ़र नहीं लेना पड़ेगा, वो लोग मेरे हिसाब से इसलिए करते हैं
क्योंकि कल रास्ते में जब आए तो काफ़ी आग लगा रखी थी सारी जगहों पे, क्योंकि ना सूखा हो रखा था पूरा ना। तो अब पहाड़ों में क्या होता है कि अपना रास्ता रास्ते में चलने से अच्छा है कि लोग सोचते हैं कि ऐसे ढलान वगैरह चढ़ते उतरते निकल जाएँ, जिससे आसानी रहती है शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए। मेरे को लगा था पहले देख के कहीं आग आग तो नहीं लगा दी किसी ने, किसी गलती से तो आग नहीं लग गई, पर नई बार बहुत जगह हो रखी थी तो इस चक्कर में पता चल गया था कैसे लगाई हुई है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं ना, आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि हम अभी कहीं घूमने जाएंगे। तो काफ़ी सारे होंगे उत्तराखंड के ब्लॉग, अभी तो बस शुरू हुआ है, आज पहला दिन है, अभी सुबह का था। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ दिखाते हैं अच्छा बढ़िया, काफ़ी सारे मंदिर है तो दर्शन वगैरह करने जाएंगे तो वो दिखाएंगे आपको। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।